हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि अगले ऑर्डर तक अब लिक्विड ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ मेडिकल यूज किया जाए। दिल्ली समेत कई राज्यों में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी कमी है। दिल्ली के लिए भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल चुकी है। 70 टन ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से ट्रेन के जरिए दिल्ली आ रही है, लेकिन फिर भी पैनिक बहुत ज्यादा है। डॉक्टर गुस्से में है। इस रिपोर्ट को देखकर समझिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कैसी इमरजेंसी है। अगर ऑक्सीजन अगले 4 से 5 घंटे में नहीं आती है तो वो हमारे को बाहर लगाना पड़ेगा पोस्टर कि हमारे को खेद है कि हम आगे अस्पताल में बेड नहीं दे सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। 3.2 मीटर का रिजर्वायर चाहिए, वो रिजर्वायर हमेशा भरा रहना चाहिए, तभी हमारे वेंटिलेटर चल सकते हैं। वेंटिलेटर नहीं चल पा रहे हमारे। आप सोच रहे कितनी एंग्जाइटी है मरीजों की जब मैं बोलता हूँ इस बात को कि ऑक्सीजन नहीं है तो फोन आते हैं कि सर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा। आप उसका उत्तर जानते हैं क्या होगा कि 5 घंटे बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होगा। दिल्ली की ऑक्सीजन डिमांड आज कितनी है, कल कितनी रहेगी, अगले घंटे किस अस्पताल से SOS कॉल आने वाली है, अगला टैंकर अस्पताल में कितने बजे पहुंचेगा, जो सप्लाई आएगी वो कितनी देर चलेगी, उसके आगे क्या होगा, ये वो सवाल हैं जिनसे हर हॉस्पिटल की क्राइसिस टीम डील कर रही है। 24 घंटे इस बात की फिक्र रहती है कि कल सप्लाई हो पाएगी या नहीं। दिल्ली में मॉडल टाउन के पेंटामेड हॉस्पिटल से 10:15 बजे SOS कॉल मिली। सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी और वहां करीब 50 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। 15 मिनट बाद दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट से SOS कॉल आई। सुबह 10 बजे अस्पताल में बाहर पोस्टर लगा दिया गया, अगले 3 घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अस्पताल में 100 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ठीक तभी दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP हॉस्पिटल में सुबह से एक SOS कॉल आई। LNJP के पास 2 घंटे का बैकअप था। आधे घंटे बाद खबर मिली कि LNJP अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर आ गया है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में अचानक से ऑक्सीजन की कमी की खबर आई। फिलहाल इस वक्त हम LNJP अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो मरीजों के जो अटेंडेंट हैं वो बहुत ज्यादा हैं। दरअसल कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है ये दिल्ली सरकार का और यहां पर तकरीबन 1100 के करीब मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो कोविड के मरीज हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से एस्कॉर्ट करके एक टैंकर यहां पर लाया गया है गैस का और तकरीबन 10 बजे के करीब यहां पर LNJP अस्पताल को जो ऑक्सीजन है वो मिल गई है और ये राहत की बात है, इससे कई मरीजों की जान बची है। यही हालात दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बन गए। आधी रात में वहां ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा। सिर्फ शनिवार को सर गंगाराम अस्पताल में 4 बार ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई और सबके हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन किसी तरह ऑक्सीजन मैनेज कर ली गई। ऑक्सीजन क्राइसिस इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है कि नेक टू नेक फाइट चल रही है। हम अभी 3 बजे कंफर्टेबल हैं और उसके बाद भी हमारी आज एश्योरेंस है कि ऑक्सीजन अगले 24 घंटे है लगता है कि आती रहेगी ऑक्सीजन। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है कि निक ऑफ टाइम पर ऑक्सीजन दे ही देते हैं। अभी हमें सुबह 5,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन मिल गई है जो 3 बजे तक चलेगी, उतनी देर में हमारी 5,000 और आ जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है कि केंद्र और दिल्ली की सरकार दोनों मिलकर नेशनल कैपिटल में ऑक्सीजन के क्राइसिस से निपटें, लोगों को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। दिल्ली में मौत की तादाद लगातार बढ़ रही है, आंकड़ा 300 के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। पिछले 12 दिनों में दिल्ली में 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है। रोज करीब 25,000 नए केस आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की तादाद 1,00,000 पहुंचने वाली है। जाहिर है मरीज बढ़ेंगे तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ेगी और लोग अस्पतालों का रुख करेंगे। दिल्ली पर इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है। दिल्ली में सिर्फ इसी शहर के नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के भी मरीज भर्ती हैं और ये दबाव सरकार पर भी नजर आ रहा है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे।
दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 लोग मर चुके हैं, इसलिए डर हर जगह बना हुआ है, हाहाकार बहुत ज्यादा है। अब समझदारी यह है कि हम गलती माने, हम डिनायल मोड से बाहर निकले, हम कहें कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है, एक हफ्ते तक की ऑक्सीजन सप्लाई हमारे को इतनी चाहिए और हम उस पर काम करें। अभी भी दोषारोपण हो रहा है या ये डिनायल मोड में कि कोई गलती नहीं है? अरे गलती नहीं है तो मरीज क्यों भटक रहे हैं? क्या उनको शौक है भटकने का, क्या लाइनों में खड़े होने का, क्या कॉल करवाने का? क्यों हम सच्चाई हर हकीकत को जाने तो सही। मेरा निवेदन हाथ जोड़ के, आप डॉक्टरों को आपने स्केपगोट बना दिया, आज के मरीजों से आप लड़ लो, वो क्या करें? हमने शुरू से कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 10-15% ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि वो थोड़े से सिक होंगे और डॉक्टर केयर की जरूरत है, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। सिंस नंबर इतना ज्यादा है कि जो सिक पेशेंट्स हैं अगर ओवरऑल देखें तो नंबर्स उनके बढ़ जाएंगे। वैसे तो तस्वीरें इसकी भी मिल रही हैं कि दिल्ली सरकार ने वॉर रूम खोल रखा है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद लीड करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह एक अस्पताल को ऑक्सीजन SOS कॉल आई, जबकि उसके पास 18 किलोलीटर ऑक्सीजन थी। उसकी एक दिन की जरूरत 5 किलोलीटर ऑक्सीजन से भी कम है, इसका मतलब है कि उसके पास 3 दिन की ऑक्सीजन थी। मनीष सिसोदिया ने एक और अस्पताल के बारे में बताया जिसे 30 सिलेंडर दिए गए थे, उसके पास 20 बचे थे, फिर भी खबर फैलाई गई कि उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो रही है। ये ट्वीट साबित करते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर पैनिक फैलाया जा रहा है, लेकिन इसके ये मायने नहीं है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली की मांग रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की है, केंद्र से अभी उसे 480 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है। केंद्र सरकार ने कहा हम इतना नहीं दे सकते, हम आपको 378 मेट्रिक टन देंगे, 700 नहीं। हमने कहा जी 378 से तो दिल्ली सांस नहीं ले पाएगी, आप थोड़ा और दीजिए, आप ही ऑक्सीजन की नियंत्रण करते हैं, वितरण करते हैं, उत्पाद करते हैं, हम आपके सामने झोली फैलाते हैं। उन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 मेट्रिक टन कर दिया, 700 मेट्रिक टन हमारी मांग थी, 480 मेट्रिक टन उन्होंने दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम 480 से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन ये 480 भी पहुंच नहीं रहा है, ये कागजों में आवंटित किया गया है। दिल्ली में 300 मेट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं आ रही है। दिल्ली के अलावा बाकी राज्य भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहां ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम है, सरकारों के लिए वहां मैनेज करना आसान नहीं है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूजर तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी, कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बची गई। अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है, टाटा ग्रुप, बिरला, बजाज, रिलायंस, हिंदुजा, महिंद्रा, इन सभी कंपनियों से केजरीवाल ने कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हैं तो दिल्ली की मदद कीजिए। 8 PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिल्ली के लिए सैंक्शन किए गए थे, 1,25,00,000 का एक एक प्लांट था, जो केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक एक प्लांट क्यों लगा है। अगर वो प्लांट लग जाते, वो 7 प्लांट और लग जाते दिल्ली में, अगर दिल्ली सरकार लगा देती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, PM केयर्स फंड से कुछ करोड़ रुपए का आवंटन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन के, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को किया गया और कहा गया कि देश भर के अंदर 142 ऑक्सीजन के प्लांट बनाए जाएं। उस प्लांट में से 8 प्लांट दिल्ली में बनाने का संकल्प डॉक्टर हर्षवर्धन के मंत्रालय ने लिया और दिल्ली सरकार को कहा हमें आप केवल जमीन मुहैया करा दो अपने अस्पतालों के भीतर, हम वहां पे प्लांट लगा देंगे। हमने 8 अस्पतालों में जमीन इनको आवंटित करके दे दी। इन्होंने एक ठेकेदार को काम दिया कि आप प्लांट बनाओ, वो ठेकेदार पैसा लेके फरार हो गया, करोड़ों रुपए का गबन हो गया, पैसा आपका, PM केयर फंड का, मंत्रालय आपका, टेंडर आपका, ठेकेदार आपका, और वो भाग गया। वैसे दिल्ली में बड़े लेवल की सप्लाई के लिए अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस आने वाली है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से जिंदल स्टील प्लांट से दिल्ली के लिए 70 टन ऑक्सीजन आ रही है।
ये दिल्ली आने वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। इसमें 4 टैंकर लोड है जिनमें 70 टन ऑक्सीजन है। इस तरह की सप्लाई आगे भी जारी रखनी होगी क्योंकि क्राइसिस बहुत ज्यादा है। अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन सप्लाई की दिक्कत बनी हुई है। डॉक्टर और पूरा स्टाफ इस किल्लत को ज्यादा देर नहीं झेल पाएंगे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हर पेशेंट को बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसमें बहुत कमी आ रही है। लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स की जो सप्लाई है उसमें कमी आ रही है, सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहे, जितने हम भेज रहे हैं कम रिफिल होकर आ रहे हैं। तो ये रोज की प्रॉब्लम है जो अभी हम रेगुलर फेस कर रहे हैं। ऑक्सीजन की सीवियर इस समय कमी है। अब दिल्ली सरकार ने 9 जगहों से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने को कहा है। इनमें 7 रूट से ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन लाने के लिए रेलवे तैयार है क्योंकि 2 रूट पर कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। हम लोग उसका निरंतर उसके ऊपर वॉच रखे हुए हैं और ये हमारी एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज होती है कि जो हम ट्रेन में हमारी जो ऑक्यूपेंसी है, जो वेटिंग लिस्ट है, उसके ऊपर हम हर समय डेली पॉइंट पे नजर रखते हैं हर एक ट्रेन के ऊपर, और आवश्यकता पड़ने के हिसाब से या तो कोचेस को बढ़ाते हैं या ट्रेन को और बढ़ाते हैं, समर स्पेशल चलाते हैं। तो समय के साथ साथ ये डायनेमिक प्रोसेस है। अगर हमें लगता है कि कुछ हमारी सर्विसेज में ऑक्यूपेंसी कम रहेगी तो उसी हिसाब से फिर हम फैसला लेंगे उसको रैशनलाइज करने के लिए। तो ये एक डायनेमिक प्रक्रिया है और ये कंटिन्यूअस तौर पे चलती रहती है। दिल्ली में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। पॉजिटिविटी की रेट 30% से ज्यादा है, यानी दिल्ली में टेस्ट होने वाला हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। यही वजह है कि अस्पतालों पर दबाव पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा आसपास के शहरों का पैनिक आपको दिखाते हैं। दिल्ली के आसपास फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका प्रेशर दिल्ली पर भी पड़ रहा है। हर बेड पे कम से कम 8 लोगों की जान पहचान लगती है। 8 लोगों की जान पहचान, तो आप समझ रहे हैं कि जो गरीब है जिसका कोई जान पहचान नहीं है वो कहां जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पे सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं इन लोगों के लिए। सारे वो लोग ब्यूरोक्रेट से लेके पॉलिटिशियन से लेके सब लोग एक एक बेड पे अपना जान पहचान लगा रहे हैं कि हमारे मरीजों को ले लीजिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में इस गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर शुरू कर दिया गया है। यहाँ उन लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है जिनको अस्पताल भर्ती नहीं कर पा रहे। जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था गुरुद्वारे में कुछ इस तरीके से की गई है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन सेवा है, ऑक्सीजन लंगर जो दिल्ली के जो गाजियाबाद के सिंह सभा गुरुद्वारा इंदिरापुरम की तरफ से लगाया गया है और ये लंगर पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। लोग गाड़ियों में अपने पेशेंट्स को, अपने अपनों को लेकर आ रहे हैं जो भी कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है, उनके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर ई रिक्शा पर एक परिवार के लोग अपने परिवार के किसी शख्स को लेकर आए हैं। कोरोना से संक्रमित एक महिला है, उनको ई रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है और इसके जरिए यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से ऑक्सीजन सेवा गुरुद्वारा सिंह सभा इंदिरापुरम में लगाई गई है। जिन लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, जो भी कोरोना से संक्रमित है, ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है, वो यहाँ पर आकर ड्राइव थ्रू के जरिए, यानी कि यहाँ पर आए, आप अपनी गाड़ी में अपने पेशेंट को लेकर आए, उन्हें यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था दी, ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दिया जाएगा और जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए यहाँ पर आपको व्यवस्था की गई। इसके अलावा कोविड टेस्ट को लेकर भी कई जगह पर समस्या आ रही है, लोगों की कोविड टेस्ट नहीं सही तरीके से हो पा रहे हैं या हो पा रहे हैं तो रिपोर्ट्स लेट आ रही है। ऐसे में यहाँ पर कोविड टेस्ट के लिए भी कोविड सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। लोग अपने अपनों को लेकर आ रहे हैं गाड़ियों में, ई रिक्शा के जरिए, ऑटो में या जिसमें भी ला रहे हैं, वहीं पर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है, ताकि जो लोग भी इस वक्त ऑक्सीजन की के लिए मदद मांग रहे हैं, जिन्हें भी इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको यहाँ पर वो सुविधा मिल पाए, इसीलिए ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वैसे दिल्ली में अब भी कोरोना के दौरान इस्तेमाल हो रही जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। केमिस्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। टैमीफ्लू और टॉसिल जुमैब जैसी दवा भी नहीं मिल रही। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग और तेज हो चुकी है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आलोक, सोमेल गुप्ता और त्यागी नाम के ये आरोपी रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे।
तीनों से तीन इंजेक्शन बरामद हुए हैं। एक एक इंजेक्शन ये 40,000 रुपए में बेच रहे थे, जबकि इनके दाम 4,000 रुपए से भी कम हैं। इनके पास से 100 ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन के 48 छोटे सिलेंडर भी बरामद हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली जैसे बाकी शहरों में भी किस तरह कालाबाजारी हो रही है। लोगों को ना इंजेक्शन मिल रहे हैं ना ऑक्सीजन। ऐसे में महामारी के दौर में ये किसी मर्डर से कम नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।